दोस्तों, अगर आप बल्लेबाज हो तो एक होता है गेंदबाज की गेंद को नॉर्मल तरीके से मारकर रन बनाना, एक होता है गेंदबाज की गेंद की पिटाई करके रन बनाना और एक होता है बड़ी बुरी तरीके से पिटाई करके रन बनाना। लेकिन जो सनराइजर हैदराबाद टीम के बल्लेबाज है वो तो इससे भी एक लेवल अप होकर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे है। एक तरह से उन्होंने आतंक फैला रखा है गेंदबाजों के सामने। जो टीम उनके सामने आ रही है सभी के सामने एक ही अंदाज में बैटिंग कर रहे है, बैक ऑफ। और कल उनसे पाला पड़ गया दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, जो बिचारी पिछले लगातार अपने दो मैच जीतकर आ रही थी। लेकिन कल उनके रास्ते में आ गई हैदराबाद की टीम और जिस बुरी तरीके से उन्हें धोया है, ऐसा लगता है अब दिल्ली की टीम का आगे का सफर काफी मुश्किल हो चुका है। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल्ली कैपिटल्स टीम का सफर तो मुश्किल में पड़ चुका है। लेकिन ये SRS की टीम तो मानने को तैयार ही नहीं है, हर मैच में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने पर तुली रहती है। और कल तो उनके ओपनर बल्लेबाजों ने जो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आज 300 रन ना बना दे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से टूट पड़े थे दिल्ली के गेंदबाजों पर। सामने सिर्फ गेंदबाजों के नाम बदलते जा रहे थे लेकिन रन बनाने का तरीका और नतीजा नहीं। ऐसा लग रहा था कि हम लाइव मैच नहीं देख रहे बल्कि हाईलाइट देख रहे है, जिसमे 6 ओवर तक तो सिर्फ चौके और छक्के ही देखने को मिले। डॉट बॉल और विकेट का तो कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इस डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज। वो तो सुकर है कुलदीप यादव का, जिन्होंने पावर प्ले के ठीक बाद रविस हेड और अभिषेक शर्मा के तूफान को रोक दिया। नहीं तो कल 300 क्या, मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो T20 क्रिकेट में भी पार हो सकता था। दोस्तों, दिल्ली की टीम कल पहली बार अपने ओरिजिनल होम ग्राउंड श्री अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेलने के लिए उतरी थी। लेकिन दिल्ली की टीम ने सोचा नहीं होगा कि उनके ही होम ग्राउंड पर मेहमान टीम आकर उनका इस तरह से स्वागत करेगी। गजब बेइज्जती है। टॉस कल एक बार फिर से होम कैप्टन ऋषभ पंत ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन सामने वाली टीम की बैटिंग को देखकर उन्हें पछतावा हो रहा होगा कि पहले हमें ही बैटिंग कर लेना था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपनी इनिंग की शुरुआत वहीं से की जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ी थी। एक के बाद एक उनके सामने गेंदबाज आते गए और ये दोनों बल्लेबाज उनको चौके छक्के मारते गए। रिकॉर्ड बनाना तो अब इनकी आदत सी हो चुकी है और कल इन्होंने पावर प्ले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जहां 6 ओवर में 125 रन बना डाले। लेकिन फिर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने आकर बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही SRS की गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाया और फटाफट 4 विकेट गिरा दिए। ट्रेविस हेड ने ओनली 32 गेंदों में 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अभिषेक शर्मा ने भी मात्र 12 गेंदों में 46 रन बनाए। एडम मार्करम और हेनरी क्लासेन का भी विकेट लेने के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली की टीम ने कमबैक कर लिया, जो कि सच भी था। लेकिन फिर नीचे से शहबाज अहमद ने आकर तेजी से 59 रन बनाकर SRS टीम का स्कोर 266 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अगर ये मैच जीतना था तो उन्हें एक करिश्मा करना था और किसी चमत्कार की जरूरत थी। तो ऐसे में शुरुआत में दिल्ली टीम के विकेट तो गिरे लेकिन रन उनके तेज गति से बनते रहे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद जैक फ्रेजर मैगर्ग और अभिषेक पोरल ने वैसी ही बैटिंग की जिस तरह से SRS के बल्लेबाजों ने की थी। जिस रिक्वायर रन रेट की आवश्यकता दिल्ली की टीम को थी उसी रन रेट के साथ ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए कहानी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ पर सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि जो मोमेंटम इन दोनों बल्लेबाजों ने बनाकर दिया था वही मोमेंटम ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टफ जारी रखेंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। ट्रिस्टन स्टफ तो आउट हो गए लेकिन ऋषभ पंत ने भी अपनी तरफ से बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अंत में जाकर दिल्ली की टीम 199 रनों पर ऑल आउट हो गई और SRS की टीम ने 67 रनों से इस मैच को जीत लिया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली की टीम इस मैच को जीत सकती थी या फिर नहीं, कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।